जवाद जाफरी अपना कलाम पेश कर रहे थे। कौसर अली यहाँ पे मौजूद हैं, नात के शायर हैं, उनका एक शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि हजूर मुझको 63 बरस की उम्र बहुत, हजूर इससे ज़्यादा खिलाफ़ सुन्नत है। तो उनको इस 63वें बरस की मुबारकबाद देते हुए मैं साहिब सदर सुग्रह सदफ को दावा देता हूँ कि वह कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मोहतरमा सोफिया बिदार साहिबा का शुक्रिया कि इतनी एक पुर नूर और बा बरकत महफिल का एहतमाम किया। फैसलाबाद अदबी हवाले से एक बहुत बड़ा हवाला है पाकिस्तान का, शायरी में, गज़ल में, नसर में फैसलाबाद ने बहुत बड़े नाम पैदा किए। और वैसे भी लाहौर में और फैसलाबाद में हमें कोई ख़ास फ़र्क भी नज़र नहीं आता। लाहौर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में जितना टाइम मिलता है आजकल, लगता है उतना फैसलाबाद आ सकते हैं। तो ये एक कुर्बत का एहसास भी है, अपनाइत भी है। तो आज की ये महफिल सच्ची बात है कि एक दिल को रोशन करती हुई महफिल थी। मैं हमेशा अपने आप को एक खुशकिस्मत इंसान समझती हूँ, एक ब्लेस्ड पर्सन के जिसने एक गांव में जन्म लिया जिसके वालिद सिर्फ मिडिल तक पढ़े हुए थे और लड़कियों के पढ़ने का कोई रिवाज नहीं था। खुदा ने मेरी रहनुमाई की, वसीले बनाए, मैं स्कूल तक गई, कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई, हर जगह मैंने टॉप किया। कोई मुझे पढ़ाने वाला नहीं था, वो वसीला था। एक तसव्वुफ से ताल्लुक़ मेरी रूह का खुदा की तरफ से इनायत थी। और ये तो मकनातीस होता है कि खुदा आपको इनायत करता है, ये कोई आप किसी से ख़रीद नहीं सकते, ना ताकतवर ख़रीद सकते हैं और ना कोई और। तो इसी तरह मैं देखती हूँ कि सोफिया की जो शख्सियत, उसमें भी रूहानियत का बड़ा अमल दखल है। रूहानियत ना हो तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये जितने हमें सिलसिले नज़र आते हैं, ये ऊपर से तारें हिल रही होती हैं कहीं, और हम तो वसीले हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बातें करना चाहती हूँ लेकिन रोज़े की वजह से मुझसे बातें इतनी तो नहीं हो रही, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम इंशाल्लाह रमज़ान के बाद यहाँ फैसलाबाद में एक इनके साथ मिलकर सोफिया और मैं कोशिश करें कि एक फोक मेला हम करेंगे, जिसमें कि सारी वो फोक की चीज़ें आएँ, हमारे जो लोक मेले थे, मुशायरा भी होगा और यकीनन पंजाबी मुशायरा भी उसमें करेंगे हम। फिर एक सूफ़ी कॉन्फ्रेंस भी हमारा करने का इरादा है, तो इसमें भी आप सब की हमें जो मोहब्बत है, टाइम चाहिए होगा। चंद शेर में आपकी सब की इजाज़त से पढ़ती हूँ। एक शेर दुआ का कि मेरी दुआओं में आका असर अता कर दे, मेरी दुआओं में आका असर अता कर दे, सदफ हूँ मैं मुझे मेरा गोहर अता कर दे, सदफ हूँ मैं मुझे मेरा गोहर अता कर दे। और नात है कि सनाए ख़त्मे रसूल सुबह शाम करती हूँ, सनाए ख़त्मे रसूल सुबह शाम करती हूँ, अकीदतों की शफक उनके नाम करती हूँ, और जो रोज़ शहरे मदीना से होके आती है, जो रोज़ शहरे मदीना से होके आती है, मैं उस हवा को अदब से सलाम करती हूँ, जो रोज़ शहरे मदीना से होके आती है, मैं उस हवा को अदब से सलाम करती हूँ। और दयारे ख्वाब तेरा शुक्रिया कि तेरे तुफैल मैं शहरे तैबा में अक्सर क़याम करती हूँ, दयारे ख्वाब तेरा शुक्रिया कि तेरे तुफैल मैं शहरे तैबा में अक्सर क़याम करती हूँ, और मुझे है नाज के शामिल हूँ उनकी उम्मत में, मुझे है नाज के शामिल हूँ उनकी उम्मत में, मैं आप अपना बहुत एहतराम करती हूँ, मैं आप अपना बहुत एहतराम करती हूँ, और मेरी ज़बान से अकीदत के फूल झड़ते हैं मैं जब भी अपने नबी से कलाम करती हूँ, मैं जब भी अपने नबी से कलाम करती हूँ। पंजाबी दे कुछ शेर,
ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਠਵੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ 2-4 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦਰੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਸਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਚੰਦਰੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਸਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸੁਫਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ, ਸੁਫਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ, ਸੁੰਝ ਮੁਸੰਜੀਆਂ ਤਾਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੱਲੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਦਰਦ ਫਿਰਾਕ ਦਾ ਪਾਂਬੜ ਹਰਦਮ ਅੰਦਰ ਪਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਸਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੂਰੀ ਪਾਈ ਸਖੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਖੁੱਬੀ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਨਾ ਸਕੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਭੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਮੰਗ ਥੱਕੀ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਬਾਂ ਜਿਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸਰਦਲ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾਈ ਟਾਈ ਰੋਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾਈ ਟਾਈ ਰੋਵਾਂ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਏ ਰੁਲ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਏ ਰੁਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਔਰ ਜੇ ਰੰਗਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੰਗੀ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਰੰਗਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੰਗੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਉਸ ਰੰਗਲੀ ਤਾਲ 'ਤੇ ਰੱਜ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਜੇ ਰੰਗਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੰਗੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਉਸ ਰੰਗਲੀ ਤਾਲ 'ਤੇ ਰੱਜ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਵਾਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।